ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार की। और बिहार के लोगों के लिए चिंता का विषय ये है कि बिहार के कई जगहों पर नकली दवा बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश के एक दवा कंपनी को बिहार में नकली दवा बेचे जाने की जानकारी हुई। इस पर ब्रांड से संबंधित अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में बिहार में नकली दवा बनाने के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। बिहार में ब्रांडेड दवाओं की नकल तैयार कर बाजारों में सप्लाई करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस जानलेवा काम में कई गिरोह बिहार के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। इस बार कंपनी के प्रतिनिधियों को जब इस नकली दवा के गोरख धंधे की जानकारी हुई तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत की। शिकायत पर ब्रांड प्रोडक्शन कंपनी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड अफसर ने इसकी जानकारी एमपी थाना नैकिन जिला सोंधी को दी। पुलिस ने नैकिन से सरस्वती शिशु मंदिर के पास के क्षेत्र में आकाश साहू नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से नकली दवा बनाने वाली कंपनी का उद्भेदन हुआ। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें से एक पटना के दवा कारोबार से जुड़ा बताया जाता है, जो बाजार में नकली दवा सप्लाई करने का काम संभालता था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम गिरोह के उद्भेदन के लिए पटना में दबिश देने पहुंची। एमपी पुलिस और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत के आलोक में और भी जगहों से सूचना सत्यापित कर कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं राजधानी पटना में हुई छापेमारी के दौरान एमपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिक रही नकली दवा का खुलासा हुआ। वहीं गोदाम को सील कर पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में जुटी है। ओंकार आवामी के लिए पटना से विवेक राय की रिपोर्ट। तो बेहद ही गंभीर मामला है। भले ही अधिकारियों की सक्रियता की वजह से इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ, लेकिन बिहार में इस तरह से नकली दवा, वो भी आम दवा जो आम बीमारियों में अधिकतर चिकित्सक अधिकतर मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसी दवा अगर नकली है तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के साथ क्या होगा। उनकी बीमारियाँ ठीक नहीं होंगी, दोष डॉक्टरों पर दिया जाएगा और फिर अफरा तफरी की स्थिति भी किसी बीमारी के बुरे हालात में पहुंच जाने पर हो सकता है। पटना स्टूडियो का रुख करेंगे। ब्रांड प्रोटेक्शन के एमडी मोहम्मद मुस्तफा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा हुसैन जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। नमस्कार मुस्तफा जी, सबसे पहले तो इस बात के बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि नकली दवाई का ये जो कारोबार है ये कितना बड़ा है और कितने फायदे का है ये गोरख धंधा करने वाले लोगों के लिए, ताकि वो आम लोगों की जान को खतरे में डालकर अपनी जेब भर रहे हैं। देखिए सर, ये जो नकली दवा का जो कारोबार है, मतलब ये मैक्सिमम जो है हम लोग को लगता है कि सालाना अरबों रुपए का सारी कंपनी का, जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एंटी कैंसर मेडिसिन है, डायबिटीज की है, नार्कोटिक्स मेडिसिन है, ये सब का जो मतलब सालाना टर्नओवर है अरबों रुपए का इंडिया में काउंटरफिट का। वो हमारी टीम जो है, हमारी कंपनी है, मतलब पैन इंडिया में, दिल्ली में, अभी एमपी में रेड किए, बिहार में भी सैकड़ों जगह नकली दवा का रेड पुलिस के हेल्प से करती रहती है। तो ऐसे में हमारी कंपनी जो है लगभग सालाना लगभग 30 करोड़ का 40 करोड़ का दवा तो हमारी कंपनी पकड़ती है पुलिस के हेल्प से। इंडिया में इसका नकली दवा का कारोबार कम से कम 100 करोड़ का है तो सालाना का। ये जो खुलासा हुआ है, जहां छापेमारी हुई, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई और पटना राजधानी में भी और राजधानी से दूर भी हर जगह पर इसके तार फैले हुए हैं, तो ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण, कैसे मिली और किस तरह से पुलिस ने आपको सहयोग किया? हमारी जो कंपनी है बेसिकली ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में हमारे मतलब सैकड़ों इन्वेस्टिगेटर है जो स्पेशली फार्मा का मतलब नकली दवा का इन्वेस्टिगेशन करते हैं सारे बड़े बड़े मार्केट में। जैसे दवा की बड़ी मार्केट हो गई आपको न्यू दिल्ली के सदर बाजार में जी, आपको बनारस में हो गई, आगरा में है, उत्तराखंड में है, वहाँ पे टीम हमारी सर्वे करती रहती है कि मतलब किस टाइप से कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो सस्ता मिल जाता है जी। अगर कहीं पे सैंपल मिलता है तो वो सैंपल उठा के हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोग अपना एफएसएल उसका लैब टेस्ट करवाते हैं
फिर उसके बाद वहां के सीनियर एसपी से या फिर जो पुलिस के हायर अथॉरिटी उनसे कांटेक्ट करकर उस जगह पे रेड किया जाता है जी। और फिर हमारी कंपनी एफआईआर दर्ज करती है उसके खिलाफ। बिल्कुल, तो मतलब ये एक जैसे हिमखंड समुद्र में तैरता रहता है तो उसका ऊपर का हिस्सा काफी छोटा होता है, उससे कई गुना नीचे पानी के अंदर होता है। तो एक छोटे से कारोबारी तक तो आप पहुंच गए, लेकिन ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है इसमें क्या लगता है कि बिहार सरकार, बिहार का प्रशासनिक अमला, बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन, क्या वो लोग भी सक्रियता से इस गोरख धंधे को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं या फिर उनका इंटरेस्ट दिखता है इस मामले में? नहीं सर, मतलब हम लोग को सबसे ज्यादा जो मतलब कॉर्पोरेट है यूपी में मिलता है, यूपी में है, राजस्थान में है जी। और इंडिया के अदर स्टेट में, बिहार में भी जो यहाँ के एफडीए की टीम है इतना एक्टिव नहीं है। ये लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ है कि वहाँ पे जो चौक है वहाँ पे गए इंस्पेक्शन के लिए, ये कर लिए। और यहाँ तो बिहार में हम लोग नौबतपुर में भी करोड़ों की नकली दवा की फैक्ट्री पकड़े हैं, रोहतास में भी। हमारी कंपनी जो पकड़ती है मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन तक हम लोग चौककीपर पर कभी भी हमारी कंपनी जो है एक्शन नहीं करती है। इसीलिए हम लोग कभी भी जब रेड करते हैं तो एफडीए को पहले इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी नहीं देती है, हायर पुलिस अथॉरिटी के जो जोनल आईजी या एसएसपी लेवल की टीम है वहां पे होता है। सैकड़ों केस किए हैं हमारी कंपनी, बड़े बड़े माफियाओं के विरुद्ध भी मतलब होता ही रहता है, धमकी भी आती रहती है जी। जी, तो ऐसे में लोगों को कैसे सतर्क किया जाए? लोगों को तो अंदाजा भी नहीं, जो लोग मरीज हैं खासतौर पर गरीब, वो तो समझ ही नहीं सकते कि नकली दवा कौन सी है, असली कौन सी है। तो वो नकली खाकर भी बीमारी ठीक करने के बजाय और बीमारी बढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों की जान कैसे बचेगी, कौन परवाह करेगा इनकी? सिर्फ कंपनी के स्तर पर हो इतना संभव तो नहीं है जी? नहीं सर, मतलब इसमें मतलब जनरल पब्लिक के लिए हम लोग तो एक ये राय देंगे कि जो भी मेडिसिन ले पक्का उसका बिल ले, बिल पे जो है बैच नंबर जो आता है, अगर बैच नंबर बिल पर है मेंशन है जी, बैच नंबर से का मतलब हो गया कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। कहीं बिल भी दे देते हैं वो लोग, उसमें बैच नंबर नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि वो डब्बा सस्पेक्ट है जी। जी, ये एक आसान सा उपाय है पहचानने का। और जो पकड़े जाते हैं वो भी बड़े आसानी से कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं, क्या लगता है कानून में भी थोड़ी और तब्दीली करके इसे सख्त बनाने की आवश्यकता है? हाँ सर, थोड़ा मतलब पुलिस अथॉरिटी को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इसमें। ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये ठीक है, लेकिन इन लोग का लैब रिपोर्ट आने में काफी टाइम लगता है, इसलिए कुछ लोग इसमें भी बचाव हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये छोटे मोटे ऐसे राजधानी से दूर के कारोबारी हैं और राजधानी में उनके सरगना बैठे हैं जो पूरे बिहार स्टेट में कंट्रोल कर रहे हैं, बिना किसी बड़े व्यक्ति का इन सब के पीछे सहयोग होने के इतना बड़ा स्केल पर कार्रवाई करना संभव नहीं लगता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नहीं, हाँ, सर इसमें है कि ये लोग जो भी रैकेट हैं मेन इन लोग का उत्तराखंड में है जी। और उसके बाद से दिल्ली में है, ये लोग मतलब अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं। ये लोग कुछ छोटे मोटे मतलब नहीं है, इन लोग के अंडर में चेन तक पहुंचने के लिए मतलब 6-7 चेन तक पहुंचे तब यहाँ तक आदमी पहुंचता है। जो मेन किंगपिन है वो लोग सर मतलब काफी हाई प्रोफाइल है, उनका कनेक्शन भी काफी ऊंचा होता है। कुछ केस में तो हम लोग भी सर रेड किए जो देखे हैं कि टॉप लेवल से पैर भी आया है, ऐसा आता रहता है सर। इन लोग दवा माफियाओं के साथ में विभाग की भी मिली भगत यहाँ पे रहती है, स्पेशली बिहार की बात करें तो। मतलब मुस्तफा हुसैन जी, आपसे इतने देर बातचीत में यही समझ में आया कि आम लोगों की जान की किसी को भी परवाह नहीं है, अगर बिहार की खास तौर पर बात करें तो। नकली दवा बिक रही है तो बिकने दिया जाए, नकली दवा बनाने का धंधा चल रहा है तो चलने दिया जाए, जब तक कोई शिकायत नहीं करता, कंपनी का कोई आदमी आकर कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं बोलता, तब तक सब निश्चिंत है, लोगों की जान की किसी को परवाह नहीं। जी जी जी, बेहद ही गंभीर मामला है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा हुसैन जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि आपकी टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है इन नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ। और अच्छी बात यह कि आपकी टीम को पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह कि पुलिस को थोड़ी और सक्रियता दिखानी चाहिए और विभागीय अधिकारियों को थोड़ा और सजग होना चाहिए, ताकि नकली दवा के कारोबारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और मरीजों को इन नकली दवाओं से बचाया जाए, ताकि उनकी बीमारी ठीक हो, बीमारी और गहरी ना हो जाए।